ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये भाई एयर बैग की सिग्नल है। यहाँ पे जो एयर बैग होती है ना, कंटिन्यूअसली गाइस कंटिन्यूअसली ये एयर बैग का सिग्नल ब्लिंक कर ही रहा है। आज यहाँ पे लगी हुई है मेरी कार, अब देख लो पूरी डस्टी है। सो गाइस टाइम हो रहा है 10:05, कार लेकर मैं निकला हूँ और यहाँ पे सामने ही में देख लो भाई ने एक ट्रैक्टर लगा दिया है। बस ऐसे ही बेवकूफ़ की वजह से तो सबको जाम लगता है। ये देख मेरे पीछे भी पूरी लकीर लग गई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले 10 दिनों से मेरे चैनल पे एक भी वीडियो आई नहीं थी, तो अभी ना मैं अपनी कार को लेकर जा रहा हूँ डाल्टनगंज। क्यों जा रहा हूँ वो बताता हूँ पहले आप लोगों को मैं। अभी तो मेरी कार स्टार्ट है और इसमें ये देख लो आप, यहाँ पे ये देख रहे हो ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये भाई एयर बैग की सिग्नल है। यहाँ पे जो एयर बैग होती है ना, ये एयर बैग की सिग्नल है। कुछ दिनों पहले मैंने पूरा डैशबोर्ड खुलवाया, काम करवाया था, एयर बैग भी खुली थी, बट एयर बैग ना अच्छे से फिट हुई नहीं है, तो इसमें फिर से कुछ काम कराना पड़ेगा। अभी मैं इसलिए निकल रहा हूँ डाल्टनगंज। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देख लो यहाँ पे पसीना। अभी जस्ट मैंने सिर्फ एसी को भाई बंद किया था, वापस चालू कर लेता हूँ। सो फाइनली अभी मेन रोड पे निकला हूँ और आप यहाँ पे देख लो कंटिन्यूअसली गाइस कंटिन्यूअसली ये एयर बैग का सिग्नल ब्लिंक कर ही रहा है। इसने ये उस टाइम मैकेनिक ने इसे अच्छे से फिक्स नहीं करा था, जहाँ पे मैंने अपनी कार की पूरी वायरिंग कराई थी, उसने अगर अच्छे से फिक्स कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। बट कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे बग है, आते रहते हैं, इसे तो रिजॉल्व मैं भी जाके करा लूँगा। और ये मैं कोयल नदी के पुल पे पहुंचने वाला हूँ। 15 दिन के बाद अपने शहर वापस आया हूँ डाल्टनगंज ना। 15 दिन से मैं गांव पे था, 16 दिन से मैं 16 दिन से अपने गांव पे था, और 17वां दिन यानी कि कल मैं आया हूँ वापस डाल्टनगंज। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं इसी हाथ से शिफ्ट चेंज कर रहा हूँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे उन्हें तो अच्छे से पता होगा कि मैं कब आया हूँ कब गया हूँ। ये ऐसे ऐसे पागल लोग ना ऊट पटांग चलते हैं, पता नहीं इन्हें क्या ऐसे प्रॉब्लम है। एक तो इसे लेडीज बैठा लिया, ऊपर से ये सांप बना के घुमा रहा है भाई। सो गाइस एक तो बाहर में इतनी भारी गर्मी हो रखी है, ऊपर से मुझे गैरेज में बैठ के काम कराना होगा। अभी तो कार में चलो एसी चल रही है, ये देख लो एसी की लाइट ऑन है भाई। अगर आप कार ओनर हो ना तो भाई बिना एसी के तो गर्मी में चल सकते हो नहीं, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता होगा। तो गर्मी में तो मैं आज रोस्ट हो जाऊंगा। एयर बैग का सिग्नल इज नॉट अ माइनर, दिखाना ही पड़ेगा। जिस चीज से मुझे नफरत है वो देख लो आप, ट्रैफिक आगे में फिर से जाम हो गई। आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सो मैकेनिक के पास में चलते हैं, गाड़ी का काम कराते हैं। चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना। शुरू हो गई यहाँ से चचा। लो जी हम पहुंच गए ओवर ब्रिज चौक। यहाँ पे देख लो ये ओवर ब्रिज का चौक है। यहाँ पे भी मूर्ति लगी कि किसी महान पुरुष की, बट अभी लगी नहीं है। पहले मैं मुड़ा लूँ, मुड़ा लेता हूँ, कोई है तो नहीं बगल में, वो है वेन्यू वाले, रुक जा। और यहाँ पे चौक पे डेकोरेशन हो रही है क्या कुछ, अच्छा है भाई, शहर अपना प्रगति की ओर है। गाइस सच में यार जब एसी की ठंडी ठंडी हवा फेस पे पड़ती है भाई, तो अलग ही लेवल का सुकून है, एक बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अगर पूरा रास्ता आप एसी चलाओ ना, और आपको कितना भी ट्रैवल करना हो, ये क्यों हो रहा है। तो गाड़ी में अपने फुल एसी चला रखी है ना, और आपका सफर कितना भी लंबा हो आराम से कट जाता है। 20 मिनट्स लेटर। तो गाइस यहाँ पे देख लो ये दोनों मिलके कर रहे हैं मेरी गाड़ी का काम फिर से। सो एज आई टोल्ड यू, बाहर में भाई गर्मी बहुत भयंकर है। कार में एसी में था तो पता लगा नहीं, बट बाहर में चुभती जलती गर्मी। ये भाई और पन्ना रिंच लेके सब जा रहे हैं गाड़ी में, क्या करेंगे मेरी कार का हालत ये। यहाँ लगी बोलेरो, ये रही मेरी बेबी, और ये चचा को देख लो रिवर्स में आ रहे हैं पीछे, जबकि जगह है नहीं। टाइम गाइस 10:50 हो चुके हैं, और पता नहीं गाड़ी में और कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे तो लगता है कि 10-20 मिनट में हो जाएगा, बट भाई खुलने के बाद ना बहुत टाइम लगता है। गैप रहेगा तब न छिपाएगा।
2 hours later. So guys, एक ना bad news है भाई. Mechanic के पास से तो आ गया, but ये problem ना guys resolve हुई नहीं. 2 घंटे तक उन लड़कों ने मेहनत किया इसके पीछे, but ये भाई देख लो billing करना खत्म हो ही नहीं रही है. Airbag का पूरा system ही मैंने खुलवा दिया था, but फिर भी ये ना billing कर ही रही है यार. मुझे लगा था कि शायद ये अच्छे से बैठी नहीं है, जिसकी वजह से ये billing कर रही है. शुरू में तो मुझे लगा कि भाई मैंने जो पूरा डैशबोर्ड का काम करवाया था ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये भाई ब्लिंक कर रही है. बट अब ना मुझे स्कैनिंग कराना पड़ेगा, और स्कैनिंग कराने के बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा, उसके बाद ही ये फिक्स हो पाएगा. तो अभी मैं स्कैनिंग कराऊँ या ना कराऊँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है नहीं भाई. मूड मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है. ऊपर से मैंने अभी बस फ्यूल अप कराया, फिर भी मीटर नहीं उठ रही है. और एयरबैग का प्रॉब्लम भाई, ये रात में ना बहुत डिस्टर्ब करती है. ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट रात में बहुत डिस्टर्ब करती है, चमकती है आंखों के ऊपर ही. अब समझ नहीं आ रहा कि इसका लोचा है क्या. कैसे आज मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, तो मैं सोच रहा हूँ अभी निकलता हूँ ऐसे ही. इसे कभी फुर्सत में फिर से दिखाएंगे किसी अच्छा मैकेनिक के पास में जिसने स्कैनर रख रखा हो. इन लोगों के पास में स्कैनर था ही नहीं. सो मूड तो हो चुकी है ख़राब, फिर भी निकलते हैं घर को. क्या करूँ, मैं अपने गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम देख ही सकता हूँ नहीं. अब इसकी वजह से मुझे रातों की नींद मेरी उड़ जाएगी. समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कमेंट करके बताओ क्या करूं. घर जाता हूं पहले. ये ना कोई मेजर चीज़ नहीं है, ये माइनर है, बट माइनर चीज़ें ही मेजर कॉज करती हैं. मैं क्या ही बोलूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. गर्मी भी लग रही, एसी भी चल रही है, फिर भी मेरे को गर्मी लग रही है अभी. हाँ, तू ही निकल जा पहले. सो मैंने सोच ही लिया कि सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, आराम से निकलता हूँ घर को. तो फाइनली ऑन ओवर ब्रिज. एंड गाइज, मैं अपनी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ. आई कांट टॉलरेट, इवन आई कांट बियर. अब भाई पता नहीं मेरी कितने रातों की नींद जो है वो उड़ जाएगी सिर्फ इस टेंशन में कि मेरी कार के एयरबैग में कुछ फॉल्ट आ गया है. मैं पूरे घर से पूरा जोश में निकला था कि अब चलो प्रॉब्लम तो पूरा रिजोल्व करा के ही आऊँगा, बट प्रॉब्लम रिजोल्व हो ही नहीं. थोड़ा सा काम बढ़ गया है, बट अभी गर्मी को लेकर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं किसी और मैकेनिक के पास विजिट करूँ अभी. इसलिए मैंने सोच लिया चलते हैं घर. अब जब भाई की शादी खत्म हो जाएगी उसके बाद गाड़ी को लेकर स्पेशल बैठेंगे किसी अच्छे से लूटने वाले शोरूम में या फिर कहीं पर भी जहाँ पे वो लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं बट काम करते ही हैं थोड़ा बहुत. पहुँच गया नीचे ओवर ब्रिज से ढलते हुए न्यूट्रल में ही. 11:30 हो चुके हैं लिटरली गाइस. मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना मैं कि घर में भी जाके मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अपने माँ बाप को. बिकॉज मैं मम्मी को बोल गया था कि मम्मी मैं गाड़ी बनवाने जा रहा हूँ. अब मम्मी पूछेगी गाड़ी बनी कि नहीं बनी बेटा, जब मैं उन्हें ना बोलूँगा ना घड़ी भेजती. हट जाना भाई, तूफान का रोड है क्या तेरा. एंड जैसे ही ट्रैफिक मिले तो समझ लो कि मैं अपने घर को पहुंचने ही वाला हूं. बिकॉज़ नाउ आई एम ऑन कोयल नदी. ये देख लो कोयल नदी का पुल. और इसी एरिया में गाइस, जस्ट मेरी फिंगर का सामने वाले एरिया में ही मेरा घर है. मैंने अपने बहुत वीडियो में दिखाया है कि मेरा घर किधर है. मैं पुल क्रॉस करते ही लेफ्ट ढल जाता हूँ और सामने साथ समय राइट ढल जाता हूँ. एंड सच में ना, अरे भाई पुल कहाँ पे मेरा घर बन रहा है ना, उसके लिए मुझे लेना है. बट अभी मूड ऑफ है. ये बड़ी अच्छी बात कही यार. व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट नो इवन. मुझे मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम भाई, मतलब मैं क्या ही कहूँ. और ये देख लो सामने में ठुक गई एक गाड़ी. ओ नहीं, उठ गई. यहाँ पे देख लो ये चैनपुर चेक पोस्ट जो कि हमेशा से बंद ही रहती है. यहाँ पे रिवर व्यू रिजॉर्ट, इसकी भी फुल वीडियो है मेरे चैनल पे, सो आप देख लेना जा करके. और यहाँ पे जो एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यहाँ पे देख लो हमारे महादेव जी का मंदिर है. कहीं भी आते जाते समय भाई, जाते टाइम महादेव जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर ही जाता हूँ. देखो यहाँ पे, यह देखो हमारे महादेव जी. जय महादेव. आप भी आशीर्वाद ले लो गाइस. यह देखो मेरी गाड़ी में महादेव जी हमेशा विराजमान होते हैं. बिना महादेव जी का आशीर्वाद कुछ भी नहीं होता मेरे लाइफ में. मेरी जिंदगी के हर पल में कण कण में महादेव हैं. अब हैं तो हैं, भक्त हूँ मैं उनका. जय महाकाल. 5 minutes later. तो गाइस कार कवर हो गई, गुड बाय करते हैं कार को और चलता हूँ भाई पांव पैदल अपने घर को मैं वापस. टाइम देख लो 1 बज गए. यहाँ पे रहते हैं ना मेरे रिलेटिव, तो उन्हीं के यहाँ मैं अभी कार लगा दे रहा हूँ. बिकॉज अपने एरिया में बन रही है रोड, तो इसकी दिक्कत है, जिसकी वजह से मैंने कार यहीं पे पार्क कर दी अभी. और धूप हो रही है बहुत ही तगड़ी वाली भाई. चलता हूँ घर को. वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब कर दो.